नेबुलाइजर मशीन। नेबुलाइजर एक चिकित्सकीय उपकरण है जो तरल दवा को वाष्प, धुंध या एरोसोल में परिवर्तित करता है ताकि दवा को श्वास या श्वसन क्रिया के माध्यम से फेफड़ों तक पहुंचाया जा सके। इसमें बिजली का उपयोग कर संपीड़ित हवा को उत्पन्न किया जाता है जो तरल रूप में उपस्थित दवा को वाष्प में परिवर्तित करती है। नेबुलाइजर मरीज और बच्चों के लिए कुछ दवाओं के साथ सांस के द्वारा ली जाने वाली दवाएं लेने का सबसे प्रभावी तरीका है। डॉक्टर बच्चों के लिए नेबुलाइजर की सलाह देते हैं जब बच्चे को बहुत ज्यादा सर्दी जुखाम हो जाता है जिससे बच्चे रात को सो नहीं पाते हैं या सांस लेने में असुविधा महसूस करते हैं। नेबुलाइजर के अंतर्गत वाष्प या धुंध के द्वारा दवाओं को ग्रहण किया जाता है। अस्थमा और अन्य श्वास संबंधित लक्षणों से तत्काल राहत पाने के लिए कोई भी व्यक्ति डॉक्टर की सलाह से नेबुलाइजर उपचार प्राप्त कर सकता है। इस श्वास उपचार को नेबुलाइजर थेरेपी के रूप में जाना जाता है। दवाओं का प्रभावी उपचार प्राप्त करने के नेबुलाइजर प्रभावी प्रक्रिया है। नेबुलाइजर का उपयोग करने के दौरान डॉक्टर द्वारा कुछ विशेष प्रकार की दवाओं की सलाह दी जाती है जिनका संबंध व्यक्ति की स्वास्थ्य स्थिति से होता है, जिनमें शामिल है ब्रोंकोडायलेटर दवाएं जो वायु मार्ग खोलती है, हाइपरटॉनिक सेलाइन सॉल्यूशन कफ से छुटकारा पाने और खांसी को ठीक करने के लिए। नेबुलाइजर के लिए प्रयोग की जाने वाली दवाओं को ठंडी और सूखी जगह में रखा जाना चाहिए। कुछ दवाओं को सुरक्षित रखने के लिए प्रशीतक की आवश्यकता होती है और कुछ दवाओं को प्रकाश से सुरक्षित रखने की। यह उपकरण बर्नौली सिद्धांत पर कार्य करता है और तरल को धुंध में परिवर्तित करता है। अतः जैसे ही नेबुलाइजर का स्विच ऑन किया जाता है, संपीड़ित हवा ट्यूब के माध्यम से गुजरती है। धुंध या वाष्प के रूप में उपस्थित दवा को एक एयर ट्यूब के माध्यम से माउथ पीस या मास्क तक लाया जाता है। जब सही तरीके से सांस ली जाती है तो दवा वायु मार्ग या श्वसन नलिका के माध्यम से फेफड़ों तक पहुंचती है और बीमारी का इलाज करने में अधिक प्रभावी होती है। DPMI सिर्फ शिक्षा हुनर ही नहीं बल्कि सम्मान के साथ सुनिश्चित रोजगार। थैंक यू DPMI।